हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गैन में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी में जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इनके होने का क्या कारण होता है। कभी नहीं सोचा होता किसी ने भी कि किस कारण से फोड़े फुंसी निकलते हैं, तो बात करते हैं कि किस कारण से आपकी बॉडी में जो है फोड़े फुंसी निकल जाते हैं। देखिए, जब आपकी जो बॉडी में, आपके शरीर में जब बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, तो जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स और रेड सेल्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं। जो वाइट सेल्स होते हैं, ये आपके जो प्रभावित क्षेत्र होता है, जहाँ पर कि फोड़ा निकलने वाला है, उस प्रभावित क्षेत्र पर जाकर, उस बैक्टीरिया पर जाके अटैक करते हैं। जो आपके वाइट सेल्स होते हैं, जहाँ पर भी फोड़ा या जीवाणु जो हैं निकले हैं, जीवाणु जहाँ पर घुसे हैं, उस इफेक्टेड एरिया पर वाइट सेल्स जाके अटैक करते हैं, और आक्रमण करने के कारण वहाँ के जो आसपास के जो मांस होते हैं, उस मांस के जो तंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक छिद्र हो जाता है और उसमें मवाद भर जाती है। इसी कारण से वो एक फोड़े का रूप ले लेती है, और इसी कारण से आपके शरीर में फोड़ा बन जाता है। फोड़ा बनना यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया ने अंदर प्रवेश कर लिया है, जो कि आपके वाइट सेल्स उसको फोड़े के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। तो घबराइए मत, बिल्कुल भी कोई फोड़ा निकला है तो ये आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो अंदर से अपने आप को रिपेयर जब करती है, अपने अंदर से फाइट करती है, तो फोड़े का रूप हमें बाहर से वो फोड़ा लगता है, लेकिन अंदर जो बॉडी वर्क कर रही है वो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।